हेलो माय डियर फ्रेंड, माई सेल्फ उमेश यादव। वेलकम टू बैंकिंग करियर। बैंकिंग करियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माय डियर फ्रेंड, आज जो 8 दिसंबर को जो अभी एग्जाम हुआ जो IBPS क्लर्क का, अभी हम इसमें आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अभी जो आपका जो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट हो गया उसमें क्वेश्चन क्या आए थे, और रीजनिंग से, मैथ से और इंग्लिश से जो क्वेश्चन आए थे और जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मीन्स कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे हुए थे। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा जो आपके आने वाले टाइम में जो आपका एग्जाम है कल है और जिनका 15-16 तो है उनको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगा। फ्रेंड देखिए, मैं जहां पर रहता हूं वहां पर एक बहुत बड़ी सेंटर में, वहां पर जाकर के 2 शिफ्ट में बच्चे लोगों का रिव्यू लिया है। कुछ जानने वाले जो स्टूडेंट थे मेरे एग्जाम दे रहे थे, मैं लगभग 200 स्टूडेंट का मैंने रिव्यू लिया है। लगभग उनसे पूछा है कि किस टाइप का एग्जाम गया है, तो बहुत सारे बच्चे के एग्जाम अच्छा गया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम आपका भी अच्छा जाएगा, पेपर बहुत आसान आ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितना ये रहेंगे, काम रहेंगे, उतना आपका पेपर अच्छा जाएगा। और पेपर तो क्लर्क लेवल का है फ्रेंड, आपको पता ही है, तो पेपर आसान आता है, तो बस आपको शांत रहना है और आपको अच्छा से पेपर देना है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने 200+ स्टूडेंट को मैंने से बात किया है, और उन्होंने अपने मेमोरी बेस के अनुसार से उन्होंने अपना फीडबैक दिया है, उसके अनुसार से मैंने आपको ये रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैंकिंग करियर। मैं इस टाइप से और भी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट और दूसरे जो क्वेश्चन बनते हैं और जो इस टाइप का रिव्यू रहेगा, तो मैं अपने चैनल पर आपको लेके आऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड, हम चलते हैं टॉपिक पर, और जो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो पूछे हैं क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, जो बच्चे लोगों ने मुझे फीडबैक दिया उसके अनुसार से मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम लोग रीजनिंग की बात कर लेते हैं फ्रेंड। तो रीजनिंग आप सबको पता है बहुत आसान आ रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में जो पजल पूछा हुआ था 19 था, बच्चे कोई 19 बोल रहे थे, कोई 20 बोल रहा था, और सेकेंड शिफ्ट में 20 पूछा हुआ था। तो पजल फ्रेंड बहुत आसान आ रहा है, सर्कुलर आ रहा है, फ्लोर बेस आ रहा है और रेक्टेंगुलर आ रहा है, तो आपको ये बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपको आपका पजल अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप आसानी से इसको 10 मिनट के अंदर में 20 मार्क्स 19 मार्क्स जो है आप ले सकते हैं। उसके बाद जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है वो 3 to 5 आ रहा है। कोई बच्चा 3 बोला, कोई 5 बोला, तो वही 3 to 5 के बीच में आ रहा है। फ्रेंड देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आया था, बहुत सारे बच्चे ने बोला। उसके बाद इनक्वालिटी जो था वो किसी शिफ्ट में नहीं आया था। सिलॉग्स जो था फ्रेंड फर्स्ट शिफ्ट में आया था और सेकेंड शिफ्ट में भी आया था। फर्स्ट शिफ्ट में भी 4 आया था और सेकेंड शिफ्ट में 5 आया था। कोई बच्चा फर्स्ट शिफ्ट में 5 भी बोल रहा था फ्रेंड। उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस जो होते हैं, डायरेक्शन सेंस के जो क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में हमको तो कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जो बताया, तो इसका समझ लो कि नहीं आया था। अल्फाबेट जो बेस होता है, जो ABC जैसे मॉर्निंग दे देते हैं, ऐसे इंजॉय देते हैं, उसको पूछते हैं ना, उसका क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में एक आया था, और उसी से रिलेटेड उस टाइप से क्वेश्चन 2 to 3 आया था सेकेंड शिफ्ट में। जो बच्चे का फीडबैक है उसके अनुसार से मैं बता रहा हूँ। और बाकी जो मिसलेनियस था वो सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में दोनों में सेम ही पूछा होता, 2 पूछा हुआ था। तो फ्रेंड रीजनिंग जो था वो ओवरऑल काफ़ी आसान था। आप आसानी से, आपका प्रैक्टिस अच्छा है, तो आप 35 आराम से आप बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड मैथ, मैथ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। देखिए मैथ में बहुत सारे बच्चे का अच्छा अटेम्प्ट हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट में बात करें तो फ्रेंड फर्स्ट शिफ्ट में जो DI था वो 1 आया था, वो ट्रेवलर DI था। और सेकेंड शिफ्ट में फ्रेंड 2 आया था, एक तो कैसलेट आया था, वो टाइम एंड वर्क या टाइम एंड डिस्टेंस के बच्चे बता रहे थे, टाइम एंड वर्क पर था वो DI, तो वो भी आसान था, आप आसानी से कर सकते हो। और सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में 10 10 करके आया था, ये आसान था, आप आराम से इसको 2 to 5 मिनट्स में, अगर आपका खूब अच्छा प्रैक्टिस है, आप 2 मिनट में भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है तो आपको उसको 5 to 6 मिनट में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मिसिंग नंबर सीरीज, जो नंबर सीरीज जो है वो 5 5 दोनों सीरीज इसमें आया था, दोनों शिफ्ट में। और क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन होता है फ्रेंड, वो 5 आया था फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में नहीं आया था, बच्चे का फीडबैक बोल रहे थे कि नहीं आया है। और मिसलेनियस जो था वो 10 10 करके दोनों शिफ्ट में आया था। तो फ्रेंड देखिए, आपका मैथ का जो अटेम्प्ट है आप आसानी से 25+ आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आसान आ रहा है। 20 मिनट का जो टाइमिंग है उसमें आप आसानी से कर सकते हो। और मिसलेनियस में तो आपको पता है ये सभी टॉपिक्स एक एक आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद प्रॉब्लम बेस ऑन एजेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, तो ये सब से एक एक क्वेश्चन आया था। तो आप इसको आसानी से भी, इसको भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो इसमें से भी आप कर सकते थे। ठीक है फ्रेंड, तो आपका मैथ का जो अभी जो जो बच्चे लोगों ने फीडबैक दिया है, बहुत सारे बच्चे का 20+ तो बहुत सबका हुआ है, 25+ 30+ किसी का 29 भी हुआ है। तो आप भी आने वाले टाइम में जो आपका शिफ्ट है वो आप आराम से कर सकते हो इतना। ठीक है फ्रेंड,
तो मैथ में आपका टारगेट अभी नेक्स्ट वीक में, अगर आपका एग्जाम अब कल देने जा रहे हो या परसों 15-16 को देने जा रहे हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 25+ आप सॉल्व करके आओ। ठीक है फ्रेंड, हम इंग्लिश की बात करते हैं फ्रेंड। तो इंग्लिश तो लगभग सभी शिफ्ट में सेम ही पूछ रहे हैं, थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है। रीडिंग कम्प्रिहेंशन 6 to 7 आ रहा है, फर्स्ट में भी आया था और सेकंड में भी आया था। ठीक है फ्रेंड, और एरर इन स्पेलिंग फर्स्ट शिफ्ट में 5 आया था और सेकंड शिफ्ट में 4 आया था, बच्चे बता रहे थे उसके अनुसार से। फिलर दोनों शिफ्ट में आया था फ्रेंड, 5-5 करके फिलर आया था। क्रोड टेस्ट जो है वो किसी शिफ्ट में नहीं आया था, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आया था, सेकेंड शिफ्ट में 5 आया था। उसके बाद मैथ दो कॉलम आता है, आपको पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उस टाइप से फर्स्ट शिफ्ट में 8 आया था, सेकंड शिफ्ट में 5 आया था एज पर स्टूडेंट रिव्यू। पारा जम्बल फर्स्ट शिफ्ट में 5 आया था, सेकंड शिफ्ट में नहीं आया था। तो फ्रेंड लगभग इंग्लिश के जो 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 ये आ रहे हैं क्वेश्चन आ रहे हैं, आप आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। जो रेगुलर जो पेपर में जो आते हैं क्वेश्चन, जो 2018 में जितने सारे एग्जाम में जो आए हैं उसी टाइप से पूछ रहे हैं। किसी शिफ्ट में फिलर तो सब में पूछ रहा है, किसी शिफ्ट में सेंटेंस रिअरेंजमेंट पूछ रहा है, किसी शिफ्ट में पारा जम्बल कॉलम है। तो आप आसानी से इसमें भी आप 25+ आप अटेम्प्ट कर सकते हो और एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हो, तो इंग्लिश भी कोई हार्ड नहीं था। तो फ्रेंड देखिए, आपका नेक्स्ट वीक में एग्जाम है या आपका कल एग्जाम है या 15-16 के एग्जाम है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप एटलीस्ट 80+ तो आप करके आओ। अगर 80+ नहीं कर पाते हो तो 70+ करके आओ, 100% एक्यूरेसी, तो आपका 100% आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। ओके फ्रेंड, देखिए फ्रेंड जो स्टूडेंट के फीडबैक के अनुसार से था मैंने बताया, तो आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिला होगा। और मैं इस टाइप का और भी जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है मैं ट्राई करूंगा कि अपने चैनल पर अपलोड करूँ। आपको क्या करना है, आपको एकदम काम लाना है और आपको अच्छे से कल के पेपर की आपको एकदम माइंड सेटअप करना है। ओके फ्रेंड थैंक यू आपका, आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, जिनका अभी हो गया होगा अच्छा किया होगा। और फ्रेंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके और शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये चैनल का ग्रोथ हो। और मैं आपके लिए काफी अच्छा प्लान किया हूँ कि आपके मेन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। ओके फ्रेंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।